पचोर शहर के सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पचोर पर गणेश भक्त मंडल आपका हार्दिक स्वागत वंदन करता है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 17वां अन्नकूट महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। रविवार रात्रि को 8 बजे अन्नकूट महाप्रसादी प्रारंभ की गई, जो कि देर रात्रि तक अन्नकूट की महाप्रसादी का वितरण चलता रहा। अन्नकूट महाप्रसादी को लेने के लिए दूर दराज से भक्त लोग पधारे एवं मंदिर को इस मौके पर भव्य आकर्षक पुष्प एवं विद्युत डेकोरेशन से सजायमान किया। अन्नकूट प्रसादी के लिए प्रसादी ग्रहण करने के लिए भक्तों ने लाइन में लगकर एक के बाद एक अपनी बारी का इंतजार कर अन्नकूट के प्रसादी दोने के माध्यम से ग्रहण की। हम बता दें आपको, अन्नकूट महाप्रसादी सिद्धि विनायक गणेश मंदिर जो कि शनि मंदिर कॉलोनी के पास में स्थित है, यह मंदिर आज का स्थित नहीं है, यह बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। ऐसा बताया जाता है कि गणेश मंदिर सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में जो भी मनोकामना मांगी जाती है वह मनोकामना भक्तों की शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है। हम आपको दिखा रहे हैं तो बताता हूं, सिद्धि विनायक गणेश मंदिर जो कि शनि लगा रहता है, ठीक पास में लगा हुआ गणेश मंदिर है, जहां पर कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अन्नकूट महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए, हम आपको पचोर शहर के सभी कार्यक्रम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। थोड़ी गलती हमसे ये हो जाती है कि हम किसी वीडियो को ज़्यादा लंबा बना देते हैं, किसी वीडियो को ज़्यादा छोटा, तो कोई भी जिस व्यक्ति का चेहरा नहीं आ पाता है वो थोड़ा सा बुरा ना माने, क्योंकि तो ये सब समय के अवधि रहती है, व्यक्ति जो देखते हैं वीडियो उनके पास भी थोड़ा समय कम रह पाता है, जिसके चलते दर्शकों की इच्छा अनुरूप हमको वीडियो थोड़ा छोटे छोटे बनाना पड़ रहे हैं। तो देखते रहिए आप हमारा यूट्यूब चैनल, हम आपको पचोर शहर की समस्त जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे, साथ में शासन की आने वाली योजनाएँ जो हमारे पास में आती है, अनाउंसमेंट की बुनियादी की योजनाएँ, वो भी हम आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ में शासन से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाओं की मुनादी और ऑडियो अनाउंसमेंट जो आप देखते हैं सुनते हैं उसको भी अधिक से अधिक जनता में शेयर कीजिए, ताकि वो उसकी योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को पहुँच सके और जनता को लाभ मिल सके। देखते रहिए आप रमाकांत शर्मा का RKS YouTube चैनल। धन्यवाद। रमाकांत शर्मा RKS YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट करें, अवश्य अवश्य देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपका ऐसा ही प्यार बना करके चैनल के ऊपर और ज़्यादा से शेयर करें, लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचाएँ। इसके लिए